लखनऊ में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने सफाई सर्वेक्षण पर कहा कि सरकार सबके सहयोग से शहरों को साफ कर रही है। 4 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, उसी के संबंध में है। सफाई हमारे जीवन का अंग हो, हमारी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग सफाई होना चाहिए। गांधी जी के बाद वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसके ऊपर विशेष बल दिया है, और योगी जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये अपेक्षा की है कि पूरा प्रदेश साफ सुथरा रहे, और उसके लिए जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे उसमें एक शेड्यूल बनाकर, एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर हम लोग उसके लिए पूरी सतर्कता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए बनाए गए शेल्टर होम पर कहा कि सभी के लिए व्यवस्था की गई है। 18/12/2017 से 4 जनवरी 2018 के मध्य 348 शेल्टर होम में 20,412 शहरी गरीबों द्वारा आश्रय लिया गया। यानी हम पूरी तरीके से इस दिशा में जागरूक हैं कि लोग ठंड से ठिठुरे ना, और इस आश्रय, जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और वैसी भी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को कम से कम आश्रय दे सकें, शहरी गरीब लोगों को, और लगातार इस क्षेत्र में प्रगति हुई। साथ ही सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का आंकड़ा भी दिया। एक हमारे माननीय योगी जी ने सरकार बनने के बाद इस बात की घोषणा की थी, तो 3563 किलोमीटर सड़क शहरी क्षेत्र में गड्ढा युक्त थी, उसमें से अब तक 3229 गड्ढा मुक्त कर दी गई, 3229 किलोमीटर। इसके अलावा सुरेश खन्ना ने कई मुद्दे पर सरकार की मंशा को सामने रखा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।